अगर अपराध और अपराधी पकड़ा जाए तो उसको जेल भेज दिया जाता है, फिर उसकी ओर से फैलाई गई दहशत को खत्म किया जाता है, जिससे लोगों का विश्वास पुलिस और प्रशासन पर रह सके। लेकिन अगर कोई अपराधी पकड़ा जाए और जेल जाए और फिर लगातार अपराध करता रहे और लोगों में लगातार दहशत फैलाता रहे और जेल के अंदर से ही किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे डाले, तो क्या कहेंगे? आज हम बात करेंगे उस गैंगस्टर की जिसका अगला टारगेट कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठा बैठा अपने गुर्गों से आजादी में जी रहे लोगों में आतंक मचा देता है, और यही लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर है जो खुद को आतंकी और गैंगस्टर कहलाने पर रोक लगाना चाहता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भयानक अपराध करने के लिए जाना जाता है, जबकि कई लोग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते कि गैंगस्टर बनने से पहले वो एक साधारण लड़का था। आज जानते हैं साधारण लड़के की कहानी, जो आज जेल में बंद होकर आतंक की जुबानी लोगों को डरा रहा है। 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिलका में जन्मे लॉरेंस के पिता खुद पुलिस में थे। अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई को आज गैंगस्टर बन गया, शायद उसके पिता ने ये सोचा भी नहीं था। 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक और भाई बहनों के साथ पढ़ने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में एडमिशन लिया और यहीं से उसकी अपराध की कड़ियां बनने लगी। उसने यहां पर कॉलेज के चुनाव में हिस्सा लिया और बुरी तरह से हार गया। हार के गुस्से में उसने विपक्षी पार्टी पर पिस्तौल तान दी। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि कॉलेज इलेक्शन में लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को मार दिया गया था, तब से वो अपराध की दुनिया में घुस गया और यहां मिला गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का साथ। पंजाब छात्र राजनीति में एक दशक बहुत खून खराबा हुआ था। गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई और सोपू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुरलाल बराड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2020 में हत्या हुई थी और उसकी मदद की थी सिद्धू मूसेवाला ने, इसलिए सिद्धू मूसेवाला को शिकार बनाया गया। जरायम की दुनिया में उसकी एंट्री कराई फाजिलका के गैंगस्टर ने। नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने। लॉरेंस अपने साथियों के साथ छात्र राजनीति की आड़ में राजस्थान, खासकर श्रीगंगानगर भरतपुर में रहना पसंद करता था। रॉकी की मई 2016 में हिमाचल प्रदेश के परवाणु के पास हत्या कर दी गई। कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर ने हत्या की थी, वो जिम्मेदारी ली। बाद में भुल्लर को जून 2020 में कोलकाता में गोली मार दी गई। नेशनल लेवल पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला 2018 में, जब उसकी करीबी सहयोगी संपत नेहरा को पकड़ा गया। जून 2018 में बेंगलुरु से गिरफ्तार नेहरा ने खुलासा किया था कि लॉरेंस ने उसे काले हिरण मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को ठिकाने लगाने का काम सौंपा था। लॉरेंस बिश्नोई समुदाय से है। बिश्नोई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई हिस्सों में बसे हैं। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानते हैं और सलमान खान पर काले हिरण की हत्या के मामले चल रहा था। आपको बता दें कि इतने सालों के अपने आपराधिक मामलों में बंद होने के बावजूद लॉरेंस ने आज तक बंदूक नहीं चला। बिश्नोई ने खालिस्तान आंदोलन और विभिन्न प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पुरजोर विरोध किया। वो शहीद भगत सिंह, गुरु जम्भेश्वर और भगवान हनुमान को मानता है। एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में देश विदेशों में 600 से 700 लोग काम करते हैं। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा गोल्डी बराड़ इस गैंग का दूसरा बड़ा मुखिया है। लॉरेंस का भाई अनमोल ऑस्ट्रिया में है और विक्रम बराड़ कनाडा से गैंग को वित्तीय लेन देन देखता है। विक्रम बराड़ वही गैंगस्टर है जिसने सलमान खान और उसके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल लॉरेंस और उसके कई गैंगस्टर साथी संपत नेहरा, दीपक तीनू, राजू बसौदी, काली राजपूत और काला जथेरी तिहाड़ सहित दूसरी जेलों में बंद है। लॉरेंस का मुख्य सहयोगी गोल्डी बराड़ कनाडा में है। लॉरेंस ने जेल में बंद होकर के भी जेल में गैंगस्टर सुखा की हत्या की जिम्मेदारी ली और अब श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब अगला शिकार कौन होगा? कब दहशत के दिन खत्म होंगे? कैसे आतंक का साया खत्म होगा? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।